हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे राजभोग आइसक्रीम को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे दूध को। हमने यहाँ आधा लीटर जितना दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है, आप कोई सा भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा या उबला हुआ। इसे हम गैस पर रख देंगे। फ्लेम हम हाई रखेंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। चाहे आपका कोई भी दूध हो, इसे एक बार उबाल लाने की जरूरी है। ये हमारा उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। साथ में हम यहाँ लेंगे शक्कर को। हमने ये 5 चम्मच जितनी शक्कर ली है, ये नॉर्मल चम्मच से इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे और बीच बीच में से इसे चलाते रहेंगे। हमारी चीनी घुल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा दूध ले लेंगे, लगभग 1 चम्मच जितना। हमें गरम गरम दूध ही ले लेना है। इसमें हम डालेंगे केसर की पंखुड़ियों को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसे दूध में डाल देंगे। ये देखिए, इसका अच्छा कलर आ गया है। गैस को हम ऑन ही रखेंगे, फ्लेम लो ही रखने हैं हमें। साथ में हम लेंगे ड्राई फ्रूट को। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो न डालें। हमने यहाँ कटिंग बादाम, कटिंग काजू और कटिंग पिस्ता लिया है। इन सबको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, उससे क्या होगा, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हमें लगभग 1 मिनट के करीब सेकना है इसे, ज़्यादा नहीं सेकना है। साथ में हम ये दूध लेंगे, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर को डालेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं बचनी चाहिए। और ये जो दूध है इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर नीचे चिपके नहीं, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर में ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। साथ में हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम को, इसे हम बीट लेंगे। ये थोड़ी ठंडी क्रीम है, आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम से आइसक्रीम में सॉफ्टनेस आती है। हमने क्रीम को बीट लिया है। अब इस दूध में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर को। हम यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब डालेंगे मिल्क पाउडर को। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। अगर लम्स बच भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बीट लेंगे। अब इसे किसी बर्तन में डाल देंगे और एक बार फिर से इसे बीट लेंगे। आप इसे मिक्सर में भी बना सकते हैं। अच्छे से पूरे में चला लेंगे। साथ में डालेंगे इसमें इलायची पाउडर को। आप यहाँ वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राजभोग एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इसे।
और इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, सुनहरा सा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें। देखिए पूरा मिक्स हो गया है। आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं, देखिए कितना अच्छा है। क्रीम से बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आएगी आपकी आइसक्रीम में, जैसी मार्केट में मिलती है ना वैसी की वैसी। इसे आप बर्तन में ले लेंगे। हम इसे ओवरनाइट के लिए रखेंगे, आप चाहे तो इसे 12 घंटे के लिए रख दें फ्रिज में और फिर इसे निकाल लें। ऊपर गार्निशिंग के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनेगी ये हमारी, पता ही नहीं चलेगा कि घर पे बनाई है या मार्केट से लाए हैं। ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर और इसे ढककर लगा देंगे। ये हमारे 10 घंटे हो चुके हैं, लगभग 10 से 12 ही हमें घंटे रखना है। आपकी अच्छी सी जम जाए तब आप निकाल लें इसे। देखिए बिल्कुल भी आइसिंग नहीं है इसमें और बहुत ही सॉफ्ट है ये आइसक्रीम। अब इसे सर्व कर लेते हैं हम। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, फुल क्रीमी है। ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर केसर की पंखुड़ियों को और थोड़ा सा कटिंग पिस्ता। और ये तैयार हो गई हमारी शानदार सी राजभोग आइसक्रीम। अगर आपको हमारी